जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर फिलहाल मिल रही है। तो देखिए, घाटी में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, जिसके तहत चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती और साथ साथ में ड्रोन की सहायता से और मुस्तैदी बढ़ाई गई है फिलहाल जवानों की। तो यहाँ पर जानकारी मिली राजौरी से, जहाँ पर रात भर रुक रुक के फायरिंग हुई है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ की जानकारी, सेना के जवानों ने 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी दी है और इसी वजह से जो ऑपरेशन है उसमें तेजी देखी जा रही है। अलग अलग जगह पर जो जवान है उनकी मुस्तैदी बढ़ाई गई है, ड्रोन्स की सहायता से भी जो निगरानी है वो की जा रही है। कई बड़ी संख्या में जो जवान है उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। राजौरी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर मुठभेड़ फिलहाल चल रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से आतंकी घटनाएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि सुरक्षा बल पूरे तरीके से अलर्ट मूड में, इसी बीच अब राजौरी से आपको खबर बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सेना ने अभी तक इस मामले में हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और इसी बीच सैयद तजम्मुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, या इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी मिल रही है कि अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है, क्योंकि जानकारी के अभी भी कुछ आतंकी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये राजौरी का लाठी इलाका है और इसमें अभी तक ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इसमें बताया जाता है कि ज्वाइंट फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को इतला जब मिली कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी देखी गई है, उसके बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला और जो अभी तक लाठी राजौरी के एरिया में जारी है। और हो सकता है कि तो ऑपरेशन को अगर दोबारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है तो शायद इसको इनकाउंटर में भी देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों को मिलिटेंट की मौजूदगी के बाद इलाके में जो है इस वक्त देखा गया और तलाशी कार्रवाई भी कई जगहों पर है, नाके भी लगे हैं। लेकिन लाठी का इलाका काफी दूर दराज इलाका है और इस वक्त जब सुबह सुबह सूरज की किरणें जमीन पर शुरू हुई तो इस इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों को देखा जा रहा है और इनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर वहां पर अभी भी जारी है, क्योंकि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, तो क्या माना जाए सैयद कि कब तक ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? देखिए, ये ऑपरेशन ही नहीं है बल्कि एक ऐसा एरिया है जहां पे मिलिटेंटों को कई बार इंफिल्ट्रेशन के बाद देखा गया है। हो सकता है कि एक नहीं बल्कि उससे ज्यादा भी हूँ और मिलिटेंटों को एक तरफ निकालने की कोशिश, दूसरी तरफ इस एरिया में ऐसा ना हो कि कहीं उन्हें बाकायदा तौर पर कोई ग्रुप तैयार तो नहीं किया जा रहा जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने की व्यवस्था तैयार कर रहा हो। ये सारी चीजें होंगी और अगर दोबारा गोलियां चली, आवाजें आई तो हो सकता है कि ये ग्रुप जो है, क्या ताजा इंफॉर्मेशन के बाद क्या ये वही ग्रुप है जो मुख्तलिफ एरिया से जम्मू कश्मीर के हदूद में दाखिल हुआ। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतला दी है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद गोलियां भी चली, कुछ देर तक चली, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से खामोशी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा, सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान? तो देखिए, कल ही रात से, देर रात से रुक रुक कर वहां पर फायरिंग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हैं जो छुपे हुए हो सकते हैं। हालांकि हमारे सहयोगी इस वक्त बता रहे थे कि और भी आतंकी हो सकते हैं, शायद एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही हो, क्योंकि इससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा है कि घुसपैठ हुई है, इन्फिल्ट्रेशन हुई है और ऐसे में अब इन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। आप अगर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े घने घने जंगल होते हैं तो ये आतंकी छिप जाते हैं, जिसकी वजह से ज़रूर दिक्कतों का सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ता है, चैलेंज उनके सामने रहता है। और इसलिए बाद में आपने देखा होगा कि जब मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर का सहारा भी इन आतंकियों को ढूंढने के लिए लिया जाता है।